हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पे आपको इंस्टेंट इडली और मूंगफली की चटनी ये बताने जा रही हूँ वीडियो में। इडली इतनी सॉफ्ट और जालीदार बनेगी, ये इंस्टेंट 10 मिनट में बनने वाली इडली है, मुँह में घुल जाएंगी ऐसी इडली बनेगी। और जो मूंगफली की चटनी है ये इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि नेक्स्ट टाइम आप इडली या डोसा खाओगे तो आप नारियल का वेट नहीं करोगे, ये चटनी बना के खाओगे। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ मैंने एक कटोरी रवा लिया है, ये नॉर्मल रवा है, उसमें मैंने आधा कटोरी दही डाला है और थोड़ा सा नमक डाल के इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। फिर इसमें हम पानी डालेंगे, यहाँ पे मैंने आधा कप पानी डाला है और इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। यहाँ हमें इसका एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। अब इसे ढककर हम 10-15 मिनट के लिए रख देंगे क्योंकि रवा फूलता है। 10 मिनट के बाद ये देखिए एकदम टाइट हो गया, हमारा रवा एकदम फूल गया है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया परफेक्ट कंसिस्टेंसी लाने के लिए। अब आगे का स्टेप करने के पहले जो इडली की प्लेट है उसे हम ग्रीस कर लेते हैं घी से, ताकि हम तुरंत उसमें बैटर डाल के उसको स्टीम करने के लिए रख सकें। यहाँ मैंने बैटर के अंदर एक पाउच इनो डाला है, ये रेगुलर वाला इनो है, आप चाहो तो लेमन वाला भी यूज़ कर सकते हो। और फिर इसे अच्छे से 2-3 मिनट हमें एक ही डायरेक्शन में विस्क करना है ताकि उसमें एयर बबल्स आ जाए। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा बैटर मैंने प्लेट्स में डाल दिया है, बहुत ज़्यादा ऊपर तक ना भरे क्योंकि हमारी इडली एकदम ऊपर तक फूल के आएगी। अब इसे हम तुरंत स्टीम करने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे मैंने स्टीमर पहले से गर्म करने रख दिया था। यहाँ इडली को हमें 10 मिनट के लिए स्टीम करना है, तब तक वो बनता है हम यहाँ चटनी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक कटोरी मूंगफली ली है, इसे मैंने रोस्ट कर लिया है जब तक इस पर अच्छा ब्राउन कलर ना आ जाए और उसके छिलके निकलने शुरू ना हो जाए। फिर उसे प्लेट में निकाल दिया ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा होता है मैंने उसी पैन में 2 छोटे चम्मच जितना तेल लिया है उसे गर्म कर उसमें जीरा उड़द की दाल डाली है। उड़द की दाल अच्छी गोल्डन होने तक मैंने इसे फ्राई कर लिया। फिर इसमें मैंने थोड़ी सी 1/4 चम्मच जितनी हींग मैंने डाली और एक प्याज को मैंने रफली कट करके डाला है। 3-4 कली लहसुन की डाल के इनको मैंने फ्राई कर लिया है जब तक कि प्याज ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। इसमें मैंने 4-5 सूखी लाल मिर्चें डाल दी, थोड़ी सी मैंने इमली डाली, इन सबको भी मैंने फ्राई कर लिया जब तक कि प्याज लहसुन अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल के इसे मिक्स कर लिया है और फिर गैस को बंद करके इसे पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रख दिया। यहाँ हमारी मूंगफली भी एकदम ठंडी हो गई है। इसे छीलने के लिए मैंने एक थैली के अंदर इसे डाल के इसे अच्छे से मैंने मैश कर रहा है, रगड़ा है अच्छे से। ये बहुत ही आसान तरीका है मूंगफली छीलने का, इससे फटाफट कितनी भी मूँगफली हो 5-10 मिनट में पूरी उसके छिलके निकल जाते हैं। फिर एक चालनी में डालकर मैंने इसे छान लिया, उसके छिलके हटा दिए। ये हमारी मूँगफली तैयार है। इसे मैंने मिक्सर जार में ले लिया और जो प्याज का हमने मसाला बनाया था उसे भी मैंने मिक्सर जार में डाल दिया और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और इसके एकदम बारीक पेस्ट बना लिया है। यहाँ मुझे करीबन आधा कटोरी पानी लगा था पीसते टाइम। ये हमारी चटनी बनके एकदम रेडी है, इसे मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। अब ये चटनी के लिए हम एक तड़का बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक छोटे पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम कर लिया, उसमें जीरा उड़द की दाल डाल दी और एक सूखी लाल मिर्च डाल के इसे 5-10 सेकेंड मैंने फ्राई कर लिया जब तक कि उड़द की दाल ब्राउन ना हो जाए। फिर इसमें मैंने थोड़े से करी लीव्स डाल दिए और फिर तुरंत उसको मैंने चटनी के ऊपर डाल दिए। ये हमारी एकदम इंस्टेंट मूँगफली की चटनी टेस्टी सी बन के रेडी है। अब हम हमारी इडली भी देख लेते हैं। ये देखिए क्या मस्त एकदम फूल गई है हमारी इडली, एकदम सॉफ्ट और मुलायम इडली बनके रेडी हुई है। ये इडली के ऊपर आप घी डाल के ज़रूर खाना, इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं आपको ये इडली को तोड़कर भी बताती हूँ कि कितनी अच्छी और सॉफ्ट बनी है, अंदर इसकी कितनी जाली आई है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। आप इसे 1 घंटे बाद भी खाओगे तो ये इतनी ही सॉफ्ट रहेगी। और ये इडली इस मूंगफली की चटनी के साथ तो इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी कि एकदम मज़ा ही आ गया। तो आप भी ये रेसिपी को ज़रूर बनाना और ये चटनी भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
ये रेसिपी को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, पाई की रसोई को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना ताकि आपको आने वाले रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।